दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र टीजीटी जी कला विषय के लिए प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा अंक है आज हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न है उसकी पहचान करिए जो मूर्तिकार वास्तुविद फ्रेस्को पेंटर तथा कवि बना तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माइकल एंजिलो बेपेस्ट्री नामक इमारत के द्वार किसने तैयार किए थे जिसको देखकर इतिहास प्रसिद्ध कलाकार माइकल एंजिलो ने जो लियोनार्डो के समकक्ष था उसने इसे स्वर्ग के द्वारों के समतुल्य बताया था तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लरेंजो घिबर्टी अगला प्रश्न है पुनरुद्धान युग में विकसित हुई वह कला जिसमें मानवीय आकृति को वक्रताएं देकर जीवंत रूप में बनाया जाता था तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पोस्टो अगला प्रश्न है किसके चित्रों के विषय हैं राधा कृष्ण हीर व रांझा तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मंजित बाबा अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था किस से हुआ था तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए लाल बलुआ पत्थर व सफेद संगमरमर पत्थर अगला प्रश्न है शांति निकेतन में स्थापित प्रख्यात मुहूर्त शिल्प मिल कॉल किसके द्वारा निर्मित किया गया है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राम किंकर बैच अगला प्रश्न है के जी सुब्रमण्यम के विख्यात म्यूरल द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर कहां पर स्थित है तो यह है ऑप्शन सी लखनऊ में है अगला प्रश्न है संथाल कन्या का जो चित्र है वो किसका है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नंदलाल बोस ने बनाया है अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल के चित्र प्राप्त होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भी भीम का से अगला प्रश्न कला अपने हृदय में उठी हुई भावनाओं की अनुभूति को क्रिया रेखा वर्ण ध्वनि शब्द आदि के सहारे दूसरों के हृदय में पहुंचा देती है यह कथन किसका है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टॉल अगला प्रश्न ललित कला एकेडमी ने दिल्ली द्वारा आयोजित तीसरे राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी उन्नीस में के के हेबर ने अपनी किस पेंटिंग के लिए पुरस्कार प्राप्त किए तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सॉन्ग्स ऑफ द फील्ड्स अगला प्रश्न द्रौपदी संस्थापन किसका है तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शीला गौड़ अगले प्रश्न है संस्थापन कला के जन्मदाता थे ऑप्शन बी मार्शल धुंसा अगला प्रश्न किसने अपने मूर्ति शिल्पों में मिट्टी टाइलेट पेपर तथा तो गोल्ड टिश्यू का प्रयोग किया तो इस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करने वाले चित्रकार थे ऑप्शन ए रॉबर्ट डिक्शन अगला प्रश्न विख्या है विख्यात छापा कलाकार हैं दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए यूसुफ हैं अगला प्रश्न है सुजाता एवं बुद्ध किसका चित्र है तो यह है ऑप्शन ए टैगोर का अगला प्रश्न है बांग्ला में लिखित एवं विभिन्न साहित्य एवं कला संस्थानों से पुरस्कृत चित्रकार किसका अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो ये है ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी अगला प्रश्न है कुतुब मीनार की योजना तैयार की थी तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुतुब्दीन ने अगला प्रश्न है माउंट आबू के विमल बसाही मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के पहले राजा के एक मंत्री ने करवाया था तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक हजार ईस्वी में अगला प्रश्न है बीरेश्वर भट्टाचार्य किस रूप में जाने जाते हैं तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चित्रकार के रूप में विश्व के सात आश्चर्यों में से एक ताजमहल जाना जाता है किस लिए तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संतुलित डिजाइन के लिए दक्षिण भारतीय मंदिरों का प्रवेश द्वार कहलाता है क्या कहलाता है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोपुरम कोणार्क के विश्वविख्यात सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी नरसिंह प्रथम ने अगला प्रश्न है कैलाशनाथ मंदिर कहां पर स्थित तो है तो यह है कांचीपुरम में ऑप्शन सी पल्लवकालीन पंचरथ मंदिर कहां पर स्थित है तो यह है ऑप्शन डी महाबलीपुरम में आदिवासी कन्या सविता किसके चित्रों की एक महत्वपूर्ण मॉडल है तो यह है ऑप्शन ए ए रामचंद्रन खजुराहो समूह का भव्यतम मंदिर माना जाता है ये है ऑप्शन सी कंडारिया महादेव मंदिर जो कि विशाल मंदिर है सबसे अगला प्रश्न है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था किसने तो इसे बनवाया था ऑप्शन ए राज राजा प्रथम ने नटराज की प्रतिमा उत्कीर्ण है किस पर उत्कीर्ण है तो ऑप्शन बी कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा में अगला प्रश्न है कि कृष्ण प्रथम द्वारा चट्टानों को काटकर बनवाया गया कैलाश मंदिर कहां पर स्थित है तो यह एलोरा महाराष्ट्र में ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए वर्ष 2023 यानी पंचानवेवा आस्कर पुरस्कार दिया गया किसको तो यह है ऑप्शन ए तेलुगु फिल्म आर 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 के गीत नाटू नाटू के लिए गीतकार चंद्र बोस एवं संगीतकार एम एम कीरावाणी को अगला प्रश्न है बेसर शैली के मंदिर होते हैं तो ऑप्शन डी अर्ध गोलाकार विश्व प्रसिद्ध भीम बेटका के सैलाश्रय भोपाल से कितनी दूरी पर स्थित है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 45 किलोमीटर की दूरी है भोपाल से अगला प्रश्न की निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन एक प्रतीकवादी चित्रकार है तो इसमें है ऑप्शन सी गुस्ताव क्लिम्ट अगला प्रश्न है रूसी कलाकार की पहचान करिए तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मार्क सागाल अगला प्रश्न फ्रांस का विख्यात चित्रकार एवं छापाकार था तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेंदो दो ताहितियन औरतें किसका चित्र है तो ये चित्र है ऑप्शन बी पाउल कागिन का किस कला आंदोलन का उदय नवशास्त्रवाद की जकड़बंदियों के विरोध शुरू हुआ तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वच्छंदतावाद अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कावड़ के लिए बहुचर्चित और प्रशंसित है ऑप्शन सी गुलाम मोहम्मद शेख अरेबियन नाइट श्रृंखला किसने निर्मित किया है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रशांत राय ने अगला प्रश्न है भारत की पहली अमूर्तवादी महिला चित्रकार हैं तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नसरीन मोहम्मदी अगला प्रश्न है पित्रा ड्यूरा और नक्काशी कला की शुरुआत किसने की थी तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन डी तीस अप्रैल को मनाया जाता है अगला प्रश्न प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में कौन विख्यात है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पी डी धूमल कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में पहले भारतीय प्राचार्य के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी तो वो थी ऑप्शन ए असित कुमार हलदर की एथना देवी कि प्रसिद्ध मूर्ति किसने बनाई तो ऑप्शन ए फेडियास ने चित्रकार उमेश कुमार सक्सेना का संबंध है ऑप्शन बी लखनऊ से है पुनर्जागरण कालीन कला की अवधि थी आ, इसका ऑप्शन डी 1400 से 1600 सौ ईस्वी तक 1516 ईस्वी में फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम ने किस इतालीवी कलाकार को अपने दरबार में रखा था तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लियोनार्डो विंची कौन कला का संबंध सहजानुभूति ज्ञान से मानते हैं तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्रोची तो ये थे कुल पचास प्रश्न जिनको हम लोगों ने सॉल्व किया तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में